देखिए, कोविड ने तो सब लोगों को ही परेशान किया हुआ है। जिस तरह हम देख रहे हैं हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें भी इसका काफ़ी इफेक्ट है, पाकिस्तान में भी इस वक्त काफ़ी इफेक्ट है। तो मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपनी और दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए। तो ये ईद उस तरीके से तो नहीं हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर भी ईद है तो इसका मज़ा सब लें, सब लोग इंजॉय करें, लेकिन SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। देखिए, मुलाकात तो फिर भी होती है, और कोशिश यही होगी कि जो एक ट्रेंड चला हुआ है, जो मेरे वाले साहब ने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है, उसको मैं कंटिन्यू करूं। और बिल्कुल ईद के पहले दिन हम लोगों को ईद मिलने जाते हैं सारी फैमिली वालों को, और ईद के दूसरे दिन जो है सब हमारी तरफ आते हैं, खाना शाना करते हैं। मेरा ख्याल है कोविड ने और कुछ नहीं किया, मेरा एक लंच या डिनर जो है वो बचा दिया। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जी सबको इकट्ठा करें, बेशक फैमिली फैमिली करके करें, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा गैदरिंग में जो है इसका ज़्यादा कोविड का ज़्यादा इशू होता है। तो कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फैमिलीज़ को बुलाया जाए और उनसे मिला जाए। दोनों बहनें मेरी जो हैं उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर की हैं, तो हम लोग रमज़ान में किसी भी एक दिन प्लान करते हैं और उनकी तरफ जाते हैं। और जो भी मेरे भांजियाँ हैं और मेरे ये क्या कहते हैं भतीजियाँ हैं, उनको जो है वो क्या कहते हैं मैं जाता हूँ, और उनको जो है वो ईदी वगैरह हम लोग 2 4 दिन पहले ही दे आते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया, और उस हम काफ़ी सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं। जिस तरह लोग पहले मिलते थे, गैदरिंग्स होती थी, लोग कारोबार पे जाते थे, काम शाम करते थे, अब ज़रा उस पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यही टाइम है जिधर हम लोगों को इकट्ठे रहना है, यूनाइटेड रहना है, और कोशिश करनी है कि हम लोग इन मुश्किल वक्त में इस चीज़ से बाहर निकलें और एक दूसरे को सपोर्ट करें।